हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी देख सकते हो भैया और वहाँ पे जा रहे हैं विक्की। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग के पास, घर के बिल्कुल जस्ट पास में ही है ये पार्किंग है। देखो हमने इसमें खड़ी कर रखी थी अपनी गाड़ी। तो भाई अभी गाड़ी के पीछे गाड़ी लग रखी है, इसे निकालेंगे कैसे। फिलहाल भाई अपनी कार ये देख सकते हो पार्किंग में खड़ी है। खुल रहा है कुछ नहीं खुल रहा, तो ये देख सकते हो अभी तो जिस दिन से जब से यहीं खड़ी है उस दिन से आ रहे हैं देखने। कबूतर वगैरह ने बीट भी कर दिया है, साफ करनी पड़ेगी इसको। बाकी अभी फोन करते हैं, वो गाड़ी निकाल देंगे तो हम अपनी कार भी निकालेंगे। हम गंदी बहुत हो गई है। चल कर दे स्टार्ट। स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गई, क्या बात है। बैक कर लेगा ना, अभी के पीछे से बताता रही। अभी भी नई गाड़ी खुशबू आ रही है। दोनों तरफ से बसता है। चुन्नू भैया और शम्भू भाई को, शम्भू भाई कह रहे पुरानी गाड़ी है, नंबर प्लेट लगी है, ये तो पुरानी गाड़ी है। मैंने कहा बस तुम्हें पता चल गया फिर। चल भाई आंदे आंदे, धीरे धीरे आंदे। पहली बार तो तू चला ही रहा, दूसरी बार उस दिन पार्किंग में खड़ी करनी आ जाए, तब फर्स्ट टाइम था, अब दूसरे टाइम है इसका। उससे पहले इसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, देख लो फिर भी अच्छी चला रहा है। मोड़ 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 चलने दे, देख रहा हूँ पीछे, चलने दे आराम आराम से, चलने दे चलने दे चलने दे, थोड़ा आराम दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पीछे बहुत गैप है। चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नया ड्राइवर है फिर भी अच्छा चला रहा है। तो भाई आप लोग कहीं सोच रहे हो भैया ने पहली भी गाड़ी चला रखी है, तो फर्स्ट टाइम चला रहा था ये जब ये पार्किंग में खड़ी करके लाया था, और सेकंड टाइम अवे जब ये निकाल रहा है, बस दो ही बार चला पाया अब तक। यहाँ आप लोग सोच रहे हो कि पहले भी कोई गाड़ी चलाई हो, तो नहीं चलाई भाई, पर बढ़िया चला रहा है भाई। बहुत गैप है, खंबा वंबा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कैमरा लगवा ले। फाइनली भाई अभी हम लोग कार में बैठ गए हैं और भैया जो है हाथ साफ कर रहा है, थोड़ा तन्नू सिखा रहा भाई इसको। हल्की सी मतलब यही से ना स्टीयरिंग हल्की सी मतलब ऐसे मोड़ लेंगे तो स्पेस बन जाए गाड़ी निकलने का। बहुत बढ़िया। तो भाई अभी देख सकते हो चला ही रहा है, ये हाथ साफ कर रहा है अभी। सूरज को भी बुला ही लेता, सो रहा है वो। तो भाई जब भैया हाथ साफ कर लेगा ना सही से, तो फिर मैं हाथ साफ कर लूंगा। चल 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 चल, घूमने दे घूमने दे। मतलब ये लगता है ना इतने में गाड़ी कट चुकी है उस एक एक तरफ से, तो उसी टाइम दूसरी तरफ से मोड़ना स्टार्ट कर दिया। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर 2 सेकंड लेट मोड़ना स्टार्ट करेगा चलती गाड़ी में, तो वो स्पेस खा जाएगी। ये बात बिल्कुल अच्छी बोली तन्नू ने। हमें तो दूर से ही पहले गाड़ी रोक के स्पेस बना लिया, अगर पता है क्यों, अगर आगे के बनाएगा ना तो बन नहीं पाएगा। भाई सफर के मजे लो, अभी हाथ साफ हो रहा बढ़िया वाला। तो भाई अभी जो है हम लोग अपने ताऊ के लड़के के पास आए थे, अपने भाई के पास, उसको दिखाने के लिए गाड़ी। तो फाइनली अभी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, और उधर साइड से भाई देख रहे हैं। देखो गाड़ी बढ़िया है, कौन सा है ना, कैसी है संदीप भाई गाड़ी, फीडबैक कैसा है, एक नंबर, फाइव रेटिंग पूरी। तो देख सकते हो भाई, भाई को दिखाने आए थे, बाकी भाई अपने यहाँ पे काम करते हैं। देख सकते हो भाई कैसे काम करते हैं भाई, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। बात तो सही है। बाकी एक बार आगे से लुक देखो भाई, कितनी कैडी आ रही है। मैंने आगे से आपको लुक नहीं दिखाया था उस दिन भी ज्यादा देर तक, अभी तो गंदी हो गई है, थोड़ा धो धा के ना और अभी अच्छी हो जाएगी है। और अभी काम भी बहुत सारा बाकी है गाड़ी में, तो वो सब भी करवाएंगे, बहुत जल्द आपको व्लॉग्स मिलेंगे, है ना भाई। भाई गाड़ी मोड़ ली है और भाई को हमने दिखा दिया है, तो चलते संदीप भाई। हाँ आप भी चलाना भाई, चलो भाई चलते हैं, अब भैया चला ले थोड़ा, अब सीधा घर ही जा रहे हैं हम यहाँ से। आगे तो कर, पानी है यहाँ पे, ये हंस के रहा है। चल चल बस बहुत है, तो अब सीधा घर चलते हैं भाई। सूरज ने मिस कर दिया सारी चीज, क्योंकि सूरज सो रहा था भाई, अगर सूरज आता तो मजा आ जाता। और कोई बात नहीं, अब तो रोज रोज चलेगी, कम से कम 10-15 दिन रोज चलेगी भाई, क्योंकि भैया को भी सीखना है और मुझे भी सीखना है। अभी तो डेली डेली चलेगी गाड़ी, जब तक पूरा प्रॉपर सीख नहीं जाते। पर मजे लो यार, बस अपनी गाड़ी अपनी होती है, मजा आ रहा है बस, जो बात है, जो फील आ रहा ना मैं बता नहीं सकता, लिटरली बताऊं लाइफ की फर्स्ट कार है भाई अपनी, वो भी अपनी मेहनतों से, तो और अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की बदौलत है भाई, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसी बनाए रखो। चले फिर फाइनली भाई पार्किंग में गाड़ी लगा दी दोबारा, अब चल रहे हैं घर। काफी देर घूम लिया हमें, कम से कम 2 घंटे हो गए घूमते घूमते, हर तरफ घूमे, भैया के पास गए, खूब चलाए भी, बहुत लंबा टूर कर दिया। और तसल्ली मिलते हुए, हाँ भाई कोच है ना, इसको तसल्ली मिल गई, कहीं ठुकी नहीं, नहीं कुछ हुआ, बिल्कुल सेफली अपना आ गए, सेफली अब घर जा रहे हैं। लो भाई घर पे भी आ गए, सीख लिया गाड़ी जा भाई। सूरज का रहा है मुझे पता है नहीं, सब सो रहा था वो, तो सो रहा आके सो गया था, मैंने तो देखा टीवी देख रहा था, अभी सो गया था वो। तो फाइनली भाई अभी जो है मैं सोकर उठ रहा हूँ,
गाड़ी वाड़ी चला कर आते ना, जब से मैं घर में ही हूँ और जब से फिर मैं सो ही गया यार, पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। अभी ये देखो ये सब अभी गेम वेम खेल रहे हैं, तो अभी छत पर चलना है इसलिए तानची आया घर पे। तू तो गया नहीं मोटे आज गाड़ी में घूमने, पूजा पापी से भी बहुत आगे भाई, बहुत आगे। हाँ भैया चला रहा था पूरा सही परफेक्ट, और मस्त चलाई भाई मस्त, कहीं ठोकी भी नहीं ना ही कहीं कुछ हुई। अब मैं कहा मैं कल से जाऊंगा, सोच रहा हूँ कल सुबह भैया जाएगा 6 बजे पार्क में किसी बड़े से, तो मैं अभी हाथ साफ करूंगा। मैं बताऊँ कहाँ चले जाना, दाल मंडी है आश्रम के पास, वो बहुत बड़ा पार्क जिसमें बैठ के खेलते हैं। पता नहीं देखा है तू भी चल, दीप भाई भी आएंगे ना वो भी चलाएंगे। दो नंबर की साइड चले जाना, मेरे सब खाली पड़ा रहता है। क्योंकि मैंने कभी कार चलाई नहीं है, मैंने कोई और व्हीकल भी नहीं चलाया, इसलिए भाई मेरे को हाथ साफ है नहीं ढंग से। कल मैं सिर्फ पार्क में ना हैंडल पकड़ के देखूंगा, क्योंकि खुला रहेगा। अगर गलती से रेस दबा भी दिया मैंने, गाड़ी आगे भाग भी गई, तो कम से कम ब्रेक मारने को तो मिलेगा। क्या मतलब है इसका? यूं मतलब कि तेरे में ही ठोकूंगा सबसे पहले सीख गया तो। चलो भाई छत पे चलते हैं, तो वो क्यों ना मजा ही आ गया भाई, बहुत थकावट है कल से बदल में। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटू आया आज, और छोटू ने ना कल होली नहीं खेली बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल गोरा चिट्टा हुआ पड़ा है। बात तो सही है। कब तक, कब से कब तक खेली थी तूने होली? 11 बजे तक। बस 11 बजे तक होली खेलना गया था भाई, इसे तो छुपना गया था घर में। क्या बे तूने बस हाथ हाथ लाल दिख रहा है, बाकी तेरा पूरा शरीर तो भाई साफ है, मतलब तूने सबको लगाया, जब तेरे कोई लगाने आ रहा था तो शायद भाग रहा था। देख यहाँ पर रंग की डब्बी पड़ी है, ये देखो गाइस यहाँ पे ना रंग की डब्बी पड़ी हुई है, कोई यहाँ पे पक्का आके खेल रहा था। बाकी अपनी फुल कबूतरबाजी चल रही है, देख सकते हो आज भी 1 से 1.5 घंटा हम रोज कबूतरबाजी करते हैं भाई, क्योंकि इनको पाल रखा तो इनको भी टाइम देना पड़ता है भाई। अपना छोटा सा शौक है, बस ऐसे टाइम पास करते हैं, मजा आता है भाई। बस आइए बाकी तानची भी है भाई, देख सकते हो। तो बस अपने कबूतरबाजी चल रही है, फिर चलेंगे नीचे। आज तो सो भी यार मैं, अब मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। अगर मैं दिन में सो जाता हूँ ना कभी भाई, दिन में जैसे सो गया देखो सर भारी भारी हो जाएगा, प्लस रात को नींद नहीं आती, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी कोई नहीं यार, अपना बढ़िया है, आज गाड़ी वाड़ी भी चला कर है। कल सुबह भी जाएंगे हम, कल सुबह ताऊ के लड़के भी आएंगे जिनके पास गए थे ना हम, वो भी कल गाड़ी चलाएंगे। कल हो सके तो मैं भी हाथ साफ करूंगा अगर मौका मिला तो, वरना कोई बस्ती नहीं है। बाकी अब कल का इंतजार है मुझे भी सुबह का। तो दोस्तों अभी जो मैं पुश्ते पा रखा हूँ, और अभी का सीन ये है कि पापा की गाड़ी ना बंद हो गई है, मैं पापा की गाड़ी में धक्का लगाने जा रहा हूँ। ये देखो पुश्ते वाले रोड पे हम, और अभी सारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, देखो भाई ये सारा रोड तोड़ दे उधर का, सिर्फ सिंगल रोड बाकी है। बाकी उधर नीचे से रोड बना रखा है तो उसी रोड से आएंगे। बाकी तो पापा कह रहे थे मैं इसी रोड पे हूँ, तो इसी रोड पे आते रहे सीधा सीधा, तो इसी रोड पे जा रहा हूँ। धक्का वक्का लगा के सीधा घर ले चलेंगे, बैटरी लो हो जाती है भाई, बस दिक्कत ये है बैटरी वाली गाड़ी में, तो चल ही रहे हैं। तो रंजन के पापा मिल गए, देख सकते हो पकड़ गया हमारा, वो रंजन के पापा मिल गए। क्या हुआ? हो गया अपने आप चालू, ले अपने आप चालू हो गया, अपने आप चालू हो गया भाई, अंकल रिक्शा भाई वो इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अंकल तो भाग गए, हमें छोड़ गए, अंकल भाग गए, अंकल को पकड़ो भाई। मैं दे रहा घंटा भी है, 10 रुपए में 10-15 पीस आ रहे हैं, उसी में दे दूं तेरे को 5। जल्दी दे, देख रही थे भगा ले यहाँ से। देखिए मम्मी चिल्ली खा रहा, मेरे को दे नहीं रहा। भाई कितनी, ये ले दो दूंगा बस। इतनी सी चिल्ली पोटैटो, इसमें देखो कितनी है, देखियो पाड़ू देखियो खत्म। तो फिर थोड़ी सी खा लेता हूँ मैं तो। तो भाई अभी जो है खाना वाना लेकर आ चुका हूँ मैं, आलू पालक की सब्जी और पराठे, और साथ में है छाछ। तो भाई अभी ना हम टाटा पंच की एक वीडियो देख रहे हैं, जो कि अभी हमारी गाड़ी में ना बहुत काम बाकी है, तो उसको भी करवाना है हमें, क्योंकि जो हमारी कार है ना बिल्कुल बेस वेरिएंट है, वो कंपनी से कुछ भी नहीं देते, ना ही कोई स्टूडियो, ना ही कोई मतलब म्यूजिक सिस्टम, कुछ भी नहीं, कोई सीट कवर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भी बहुत सारा काम बाकी भी है, तो उसको भी करवाना है हमें, तो उसी की हम वीडियो देखते रहते हैं, तो उसको ही देख देख के हम लोग खाना खाएंगे, और देखते हैं हमारी गाड़ी में क्या क्या करवाएंगे और क्या क्या कराने से अच्छा लगेगा। सूरज तो बोला अलॉय व्हील लगवा लो, अलॉय व्हील, अलॉय व्हील भाई आप लोग कमेंट करके बताना अलाइवल सही होते हैं या नहीं होते। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं अब। दोस्तों अभी जो है हम लोग ना कहीं जा रहे हैं, ये देख सकते हो भैया ना रात को निकल गया गाड़ी लेकर, और यहाँ पर अपने गुल्लू भाई बैठे हुए हैं, राम राम भाई, और यहाँ पर अपने संदीप भाई, राम राम भाई। तो भाई देख सकते हो खाना वाना खा के मैं लौटा हुआ था, तो भैया गाड़ी लेकर आ गया, और अभी हम ना सिग्नेचर ब्रिज वाले रोड पर है, देखो सामने सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा होगा आपको। तो अभी पूरा हाथ सफा कर रहा है रात में, क्योंकि दिन में इसको टाइम मिलता नहीं है, तो अभी बस लेके निकल गए हैं, तो आप लोग देखते रहो। संदीप भाई तुम भी चलाओगे क्या? और क्या, कब चलाओगे? अभी चल रहा हूं भाई, लेके तुम जा। संदीप भाई को सिखाना है भाई गाड़ी। हां मेन पॉइंट ये है, मैं नहीं आएगी जब तक, और क्या जाएंगे। बिल्कुल दो ड्राइवर चाहिए भाई। नहीं जब तक तो मैं भी ट्रेंड हो जाऊंगा भाई, जब तक तो मैं भी हो जाऊंगा। हां
तो दोस्तों अभी जो हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पर रुके हैं, ये देख सकते हो सामने सिग्नेचर ब्रिज, सारे भाई अपने फोटो वोटो लेंगे। क्या बात है, वाह भाई फॉर्म में पूरे। ये देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है। बस ऐसी रात को निकल गए, कोई प्लान नहीं था, बस भैया ऐसे निकल गए। संदीप भाई घर पे आ गए, कह रहे मेरे को भी सिखा दे थोड़ा घूम भी लेंगे। हमने कहा चलो भाई। तो रात का एक मतलब भाई कसम से कह रहा हूँ, रात को एक अलग ही फील आ रहा है भाई। वैसे रात को अपनी गाड़ी निकल के लेने वाला ही मजा है, मजा बहुत आता भाई। अपनी वाली फीलिंग अपनी वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो फाइनली भाई अभी जो है संदीप भाई आ गए हैं। हम आए इस टाइम राजघाट, राजघाट पीछे छोड़ आए ना भाई हम, राजघाट आगे है अभी, आ गया थोड़ा, पर राजघाट वाले रोड पे ही है हम। ये वो है शांतिवन, शांतिवन है ये। तो भाई अभी देख सकते हो संदीप भाई के हाथ में हमने कमान दे दी है, आराम से ले, नहीं आराम आराम से चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चला तो लेता ही है पहले एक दो बार में, ऐसा होगा ना कि पता लग जाएगा कि कितना ब्रेक दबाने पे कहाँ रुक रही है गाड़ी, क्या क्लच दबाने पे गियर चेंज हो रहे हैं, कितनी रेस दबाने पे गाड़ी आगे बढ़ रही है। सदैव अटल या अटल मेरी बात पे समझ। अब दूसरा गियर लगाओगे, क्लच दबाओ, अरे ये रहे यार, इस पे हाथ रखे करो इसके सामने। हाँ चलो रेस दो थोड़ी थोड़ी। अच्छा गाड़ी यहाँ बता भी रहा है शायद दूसरा गियर। हाँ तो बताती है। अच्छा जी, मैंने तो अब नोटिस करा है। चलो भाई बहुत बढ़िया चला रहे हो अभी तक तो, ऐसे इसलिए तो इस खाली रोड पे लाया हूं, पर कोई आ ही नहीं सकता बंदा, थोड़ा दूर तो है। सीखने घर पर सही चलाना भाई, चलते रहो सीधे। क्या हुआ, कोई नहीं, ब्रेक चेक कर रहा था। अरे अच्छा, ये नहीं सही है। हां संदीप भाई ब्रेक चेक कर रहे हैं, कल भी आए इसकी पूछ, पीछे तो नहीं आना इंजन कल ना, आगे थोड़ी देर में साफ कर देंगे गाड़ी। हां तो सुबह ही लगा दो, मैं साफ कर दूंगा, बिल्कुल चमका दूंगा, चाट जाऊंगा इसको। नहीं भाई अपनी चीजें चाट भी सकते हैं। और क्या यार भाई, कल चमकाऊंगा तो लगना भी तो चाहिए गली वालों को कि भाई गाड़ी भी आई है गली में। अभी गली वालों ने देखे नहीं, लड्डू तो खा लिए थोड़े थोड़े। अच्छा, पर इन्होंने देखी नहीं कि गाड़ी आई है अभी कैसी। लाके खड़ी करो भाई। हाँ कल सिब्बू के वहीं खड़ी करूंगा, पानी मार के बिल्कुल बढ़िया धमका दूंगा। वाह भाई वाह, संदीप भाई तो बढ़िया चला रहे हैं। वाह भाई वाह, भैया एक बार मुझे भी चलवा दे। चला लियो, रुक जाना भाई, मेरे को नहीं पता मैं नहीं चला रहा, मेरे को डर लग रहा है। तो भाई अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घर, गाड़ी वाड़ी लेकर आ गए, मस्त काफी मजा आया वैसे रात में राइड करके। तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं अब घर, तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ फिलहाल भाई, यहीं व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। तो आज तो मस्त भैया ने गाड़ी वाड़ी सुबह भी चलाई और रात को भी खूब लंबा नाइट आउट मारा। और आप लोगों को मैंने एक सीन दिखाया नहीं, राजघाट पे ना पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई हमें, कह रहे इस वीआईपी एरिया में तुम गाड़ी सीखने क्यों आए हो, अब गाड़ी सीधा बंद होगी। तो काफी हमने हाथ वाथ जोड़े, रिक्वेस्ट वगैरह करी, तब जाके उन्होंने गाड़ी छोड़ी है, मतलब वो ऐसे डरा रहे थे। तो फिलहाल सब साउट आउट करके हम लोग घर पर आ गए, तो अब जा रहे हैं घर। तो आज के व्लॉग में बस यही था, अगर जो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। एक काम करो, लाइक करो, फॉलो करो।